हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो वीवो वन प्लस के बारे में। शायद आपको पता होगा ये तीनों की तीनों एक ही पेरेंट कंपनी से आई है। सबसे पहले बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स वही कंपनी है जो ये तीनों कंपनियां ओन करती है। 1995 में ये कंपनी शुरू हुई थी। 10 हेक्टर से ज़्यादा इनके पास एरिया है जहाँ पे इनकी फैक्ट्री चलती है। 19,000 से ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉयज है। बेसिकली इनके तीन डिवीजन थे स्टार्टिंग से ही। एक था एजुकेशनल, बेसिकली एजुकेशन ज़्यादा चल नहीं पाया तो उसको बंद करा, फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला है म्यूजिक, जिसको हम ओप्पो के नाम से जानते हैं। भाई ओप्पो 2004 में शुरू हुई थी कंपनी और ये म्यूजिक वाली चीज़ें बना रही थी, जैसे हेडफोन, सीडी प्लेयर वगैरह वगैरह। मैं आपको एक और बार बता दूं, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी एक टाइम पे, क्योंकि इनके ऊपर लीगल केस आ गया था। ये सीडी वीडी बेचती थी पहले, तो बहुत बड़ा इनके ऊपर पायरेसी का क्लेम आया था। इस चक्कर में भाई बैंकक्रप्ट होती होती बच गई थी। तो इन्होंने अपने डिवीजन को ही अलग कर दिया। इन्होंने कहा भाई अगर कुछ भी होगा तो वो ये डैश कंपनी करेगी, मेरा कंपनी का कोई रिलेशन नहीं है। एक पेरेंट कंपनी, उसकी दो पेरेंट कंपनी, अगर कोई भी घपला करती है तो जो घपला करेगी वही कंपनी से सारा का सारा चीज जाएगी। पेरेंट कंपनी को कभी लॉस नहीं होगा। तो मैंने बहुत लोगों से ओप्पो के बारे में बहुत सारी बुराइयां सुनी है कि भाई ओप्पो के फ़ोन महंगे होते हैं, स्पेसिफिकेशन नहीं होती, टुच्ची क्वालिटी यूज़ करते हैं, फलाना चलाना। आज वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा ये फ़ोन महंगे क्यों होते हैं। भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनोवेशन के ऊपर काम किया। 2014 के अंदर सबसे स्लिमेस्ट फोन इनका था। अगर आप रोड पे घूमते हो, कहीं पे भी जाते हो इंडिया के अंदर, आप देखोगे ओप्पो वीवो की होर्डिंग बहुत ज्यादा जगह है। इन्होंने अपना रिटेल नेटवर्क बहुत ही सॉलिड बना रखा है हर एक कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर और जहां जहां पे ऑपरेट करते हैं। अब अच्छा रिटेल नेटवर्क बनाने का मतलब भाई अच्छी कमीशन देनी पड़ती है। 20-20% तक कमीशन देते हैं अपने रिटेल पार्टनर्स को। अब भाई 20% वहाँ दोगे, होर्डिंग के ऊपर इतना खर्चा करोगे, मार्केटिंग के ऊपर इतना खर्चा करोगे, तो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा तो बढ़ ही जाता है ना। और एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, भाई इनकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। ओप्पो क्या देता है, सेल्फी एक्सपर्ट, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। आज तक आपने पहले देखा होगा 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल के फ्रंट आते थे, ये इसी ने शुरू किया सेल्फी। ये जो सेल्फी वर्ड देख रहे हैं ना, अगर देखा जाए तो ओप्पो ने ही इसी का रेवोल्यूशन शुरू किया है। साथ के साथ अगर आप देखोगे इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसका स्पॉन्सर कौन है, ओप्पो। तो भाई मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करते हैं, इस चक्कर में इनके प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरी कंपनी के ऊपर आते हैं जो कि है वीवो। मैंने आपको बताया था इनके तीन पार्ट्स थे, एजुकेशन, एक ये ओप्पो और दूसरा वीवो। अब वीवो क्या करता था, वीवो स्मार्टफोन के ऊपर काम करता था, वो मोबाइल के ऊपर ही उसने अपना करियर स्टार्ट किया, ये लेके चलिए। तो वीवो 2009 में शुरू हुआ। अब इन्होंने क्या इनोवेट किया, एक हाईफाई डेक टेक्नोलॉजी आती है जो कि कंप्यूटर्स के अंदर आती थी, इन्होंने उसको माइक्रो लेवल के अंदर ला के फोन के अंदर डाल दिया। अगर आप देखोगे वीवो के फोन के अंदर ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्या बोलते हैं वो, कैमरा एंड म्यूजिक। कैमरा तो ओप्पो उठा लिया, म्यूजिक इनका खुद का है इसलिए म्यूजिक। लॉजिकली देखा जाए तो भाई म्यूजिक वाली कंपनी ओप्पो थी, पर इसके अंदर इन्होंने इनोवेशन लेके आए, हाईफाई डेक टेक्नोलॉजी सबसे पहले ये लेके आए थे। अब तो बहुत सारी कंपनियां लाने लग गई है। और अगर आप देखोगे इन्होंने भी बहुत सारी चीजें इनोवेट करी है। एपेक्स फोन करके आ रहा है एक, भाई बेजललेस फोन है। अब इतनी इनोवेशन अगर कोई कंपनी कर रही है तो भाई पैसा तो खर्च होगा ना R&D के अंदर। आपको याद होगा ओप्पो का फोन आया था एक जिसके अंदर वो कैमरा घूमता था, एक ही कैमरा होता था, फ्रंट में भी यूज कर सकते हो, बैक में भी यूज कर सकते हो। तो भाई इस कंपनी ने वो निकाला, उसके बाद वो फ्लॉप हो गया, उसके ऊपर हार मानी, उसके बाद वो छोड़ दिया। आईफोन को लेकर चलो, आईफोन ने फोन निकाला, उसमें हेडफोन जैक निकाल दिया, पूरी दुनिया ने उसको क्रिटिसाइज किया, पर वो बंदे बैक टू नॉर्मल नहीं आए, भाई हम तो उसी पे टिके रहेंगे। एप्पल ने कंप्यूटर के साथ भी ये किया, टाइप सी पोर्ट सारे के सारे लगा दिए। अब सबसे जगह से क्रिटिसिज्म मिला कि आपको USB लगाना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम नहीं हार मानेंगे भाई, हम जिस पे है वो टिक रहेंगे। पर ये बंदे अपनी R&D में जितनी इन्होंने मेहनत करी थी, ये मान लेते हैं कि भाई हमने वो चीज़ फेल करी है, हमको मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। 2200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं इनकी फैक्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, नोएडा के अंदर ही है इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मेक इन इंडिया के अंदर ओप्पो और वीवो दोनों ने पैसा लगाया, किसी ने 100 करोड़, किसी ने 150 करोड़, ताकि हमारे देश के अंदर FDI आए, उसके चक्कर में इनको कुछ टैक्स के बेनिफिट मिले और इंडिया के अंदर फोन बेच पाए। टैक्स बेनिफिट के चक्कर में क्या होगा भाई, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम कर सकते हैं और थोड़ा अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस में
प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, क्योंकि भाई ये मार्केटिंग ये तो फिक्स कॉस्ट है ना, ये तो होनी होनी है, अब कितना रोकने की कोशिश कर लो ये तो खर्च होनी होनी है। अगर स्पॉन्सरशिप की बात करें तो भाई रिसेंटली आपको पता है इनके स्पॉन्सर कौन है, वीवो आईपीएल, फीफा वर्ल्ड कप 2018 भी इन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो बेसिक सी कैलकुलेशन भाई ये होती है, अगर मेरे को ये मोबाइल फोन मान के चलो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट 10,000 रुपए आ रही है और मैं रिटेलर को 3,000 रुपए दे रहा हूं मान के चलते हैं, और साथ के साथ मेरी मार्केटिंग के अंदर 3,000 रुपए लग रहे हैं, तो 16,000 रुपए का तो फोन ही ऐसे ही हो गया। 10-15% पे तो मैं ऑपरेट भी करूंगा। अगर आप आईफोन को लेकर चलो कितने परसेंट के ऊपर ऑपरेट करता है, कभी रिसर्च मार लेना, पर आईफोन को कभी कोई कुछ नहीं बोलता। हर बंदा क्या कहता है कि भाई ओप्पो वीवो घटिया क्वालिटी बनाते हैं, क्योंकि ये ना मार्केट के अंदर एक ट्रेंड बन गया, लोगों को ऐसा लगने लग गया कि ओप्पो वीवो घटिया फोन बनाता है क्योंकि वो ऐसा है। भाई ओप्पो वीवो फोन की क्वालिटी ठीक बनाता है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा दोनों की क्वालिटी कंपेयर करके, वीवो की फोन की सेल्फी वर्सेस मेरा ये जो नेक्सस है वर्सेस मेरे पास जो LG G6 है, तीनों का फ्रंट दिखाऊंगा मैं आपको कंपेयर करके। मेरा कोई टेक चैनल नहीं है, मैं आपको फिर भी दिखाऊंगा समझाऊंगा, दूसरे चैनल के अंदर कभी वीलॉग के अंदर समझाऊंगा। अब भाई आईफोन के भी छोटे मॉडल्स आते हैं, सस्ते मॉडल्स आते हैं मैं कहूंगा, पर भाई वो तो सही चल रहे हैं, वो तो सबके सब कोई कुछ नहीं बोलता। आईफोन 5 है 20,000 रुपए का निकल रहा है, 17,000 रुपए का मार्केट में आ रहा है, 5S से कंपेयर करके देखो अब वीवो ओप्पो के फोनों को। नहीं भाई एप्पल इज अ एप्पल, मेरे पास भी एप्पल, मैं भी बहुत ज्यादा एप्पल यूज करता हूँ। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने एप्पल का 7 Plus बेच दिया था एक हफ्ते के अंदर। यहाँ पे भाई मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि कॉस्टिंग क्यों बढ़ती है प्रोडक्ट की। अब आते हैं एक और घोटाले के बारे में, वो है OnePlus की बात। OnePlus स्टार्टिंग के अंदर ये कहा गया कि एक इंडिविजुअल कंपनी है जो कि चाइना ओरिजिन है, चाइना से ये शुरू हुई है। बाद में पता लगा कि भाई ये जो ओप्पो है ना, ये ओप्पो की सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक पापा कंपनी है, उसके दो बच्चे हैं वीवो और ओप्पो, ओप्पो का एक और बच्चा है OnePlus, मतलब ये पेरेंट कंपनी का ग्रैंड चाइल्ड हो गया। तो 2013 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई थी, स्टार्टिंग के अंदर जो इनका OnePlus फोन आया था वो सिर्फ इनवाइट्स के ऊपर मिल रहा था। इनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी, अगर कोई इनविटेशन लेके आएगा तभी उसको मिल सकता है, अगर आपने हमारा फोन लिया आप आगे इनवाइट भेज सकते हो, उसके ऊपर वो आगे फोन बिकेगा। इनको बाद में रियलाइज हुआ ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, उसके बाद ये इसको इंप्रूव करने के ऊपर लगे रहे। अगर आप ध्यान दोगे ओप्पो वीवो जो फोन है वो भाई लो ग्रेड की क्वालिटी देते हैं, लो स्पेसिफिकेशन देते हैं नॉर्मल प्राइस के अंदर, हायर प्राइस के अंदर मैं ये भी कहूंगा चलो, और OnePlus जो है वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी देता है कम प्राइस के अंदर। पर मान के चलो ओप्पो वीवो का आपको फोन 20,000 रुपए का मिलता है और OnePlus का फोन आपको 40,000 रुपए का मिलता है, अगर आप ऐसे कंपेयर करके चलो तो, स्पेसिफिकेशन छोड़ दो यहाँ पे। तो अगर देखा जाए OnePlus हायर सेगमेंट ऑफ स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे हम प्राइस को थोड़ा ऊपर रखेंगे, और ओप्पो वीवो थोड़ा नीचे के अंदर काम कर रहे हैं। आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बताना आपको क्या लगता है, इन तीनों को आप बांटना चाहोगे लो ग्रेड के लिए कौन सा है, मीडियम के लिए कौन सा है, हाई क्लास के लिए कौन सा है, ओप्पो वीवो और OnePlus के अंदर। अब भाई OnePlus के साथ इन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, इन्होंने देखा यार हमारा रिटेल नेटवर्क बन चुका है, हम बहुत सारी कमीशन दे रहे हैं, मार्केटिंग के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों ना हम एक नई चीज करें। हम क्या करते हैं, हम ना अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं। ऑनलाइन के अंदर क्या होगा, हमको 2-3% देना पड़ेगा, मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली हम लो प्राइस के अंदर अपना फोन बेच पाएंगे। जहां पे ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी 10% रख रहे हैं ओप्पो वीवो के अंदर, मैं आपको एग्जांपल देके चल रहा हूं, और वो फोन लोगों को महंगा लगता है, OnePlus के अंदर भी ये 10% ही रखेंगे पर वो लोगों को सस्ता लगेगा, क्योंकि यहां पे आपके मार्केटिंग कॉस्ट और आपकी जो रिटेलर को कॉस्ट देनी है वो बहुत कम हो जाती है। पर अब आप देख रहे हो पिछली बार OnePlus ने बहुत मार्केटिंग करी, इस चक्कर में OnePlus का रेट बढ़ गया, इस बार OnePlus फिर आएगा, देखना फिर मार्केटिंग करेगा, फिर वही सेम सीन होने वाला है। पर ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही जा रही है। पेरेंट कंपनी ने क्या किया, अपना रिटेल नेटवर्क बना लिया, अब रिटेलर्स को सबको पता लग गया भाई OnePlus ओप्पो ओप्पो वीवो सब कुछ, अब क्या है इनको पता है भाई OnePlus वाला ओप्पो वीवो वाला ही है। अगर ये चाहेंगे OnePlus वाले ऑफलाइन बिकवाना अपने फोन को तो ये कहेंगे भाई मेरा OnePlus फोन भी भेज दो, पर इसके लिए हम आपको कम मार्जिन देंगे, क्योंकि हम फ्लिपकार्ट पे 4%, 2%, 3% देते हैं, हम आपको 5% देंगे। ओप्पो वीवो में आप हायर परसेंटेज रख लो, मार्केटिंग इनकी वर्ड ऑफ माउथ हो रही है, लोग अपने आप ही बोल रहे हैं भाई OnePlus ले ले, OnePlus ले ले, OnePlus ले ले, यूट्यूब पर लड़ाई और रखी है, लोग कह रहे हैं OnePlus सबसे टॉप ग्रेड फोन है या नहीं है, नहीं भाई मेरे हिसाब से तो सैमसंग है, मेरे हिसाब से तो ये है, मेरे हिसाब से तो ये है। तो बस यही बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, यही है हमारी आज की केस स्टडी। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी मैं क्या बात आपको समझाना चाह रहा था।
एक पेरेंट कंपनी ने किस तरीके से अपने तीन वर्टिकल बनाए जो कि तीनों अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर काम कर रहे हैं, तीनों का अलग अलग प्राइस सेगमेंट है, तीनों की अलग अलग पोजिशनिंग है, तीनों का अलग अलग बेचने का तरीका है, और फिर भी तीनों की तीनों सक्सेसफुल है। वन प्लस, कई लोग कहते हैं वन प्लस बहुत बढ़िया फोन है, पर सबसे ज्यादा फोन बिकते ओप्पो वीवो के है। आपको पता है रीजन क्या है? क्योंकि रिटेलर पुश करता है, उसको मार्जिन मिलता है और बिक रहे हैं ना फोन। एज अ बिजनेस अगर आप देख के चलो, स्ट्रैटेजी तो सही है ना। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में उसे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा केयर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।